गुड मॉर्निंग। आज की मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज का अपना टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन, उसको थोड़ा सा हटके मैं आज थोड़ा न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ फ्रैक्शन में, फ्रैक्शनल एडिशन एंड फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन। बाकी रहा उसके लिए अपन को थोड़ी एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत पड़ती है, तो अपन एलसीएम और एचसीएफ एक बार निकालना सीख लेते हैं, फिर अपन उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक ले लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि एक बात करें अपन लोवेस्ट, लोवेस्ट में सबसे छोटा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ यानी मतलब दोनों में कॉमन हो, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स। अब एक बार मल्टीपल्स की बात करें, अगर मैं आपको बोलूं टू के मल्टीपल्स लिखो, तो टू की टेबल में, टू की टेबल से मतलब टेबल अगर बोलना चाहे तो उस टेबल में कौन कौन सा, जैसे टू फोर, यानी कि कहने का अगर टू का मल्टीपल्स देखना है, टू को टू मल्टीपल्स है, फोर टू का मल्टीपल्स है, सिक्स मल्टीपल्स यानी कि एट टू का मल्टीपल्स है, यानी कि मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई, अगर आप चाहो जितना कर दो टेन ट्वेल्व, यानी कि कहने का अर्थ कि सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन, ये क्या है टू के मल्टीपल्स है। अब इसी तरह फोर के मल्टीपल्स देखो, तो फोर के बजेंगे फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट, ये फोर के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अब कॉमन अगर मैं बोलूं टू और फोर, टू है फोर का लोवेस्ट, लोवेस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन यानी दोनों में आता हो, तो कॉमन तो अब इसमें सबसे छोटा देखो कौन आ रहा है, टू तो आ नहीं रहा, इसमें भी नहीं है, फोर आ गया, यानी कि ये फोर हो गया, यानी कि टू का एलसीएम क्या हो जाएगा फोर, ठीक है। अब देखो टू का एलसीएम क्या होगा फोर, यानी कि टू का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है, तो टू एन फोर का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा फोर। इसी तरह देखो अगर आप एक ये मेथड मतलब मल्टीपल्स लिख लो, और ऐसे एक और देखो आप इस तरह डिजिट लिख लो टू एन फोर, ठीक है। टेबल अपने टू से स्टार्ट होती है, टू की टेबल में टू आता है लेकिन फोर नहीं आता है, फोर भी आता है तो टू से डिवाइड कीजिए, टू वन जै टू टू जै फोर, टू की टेबल में टू आता है टू से डिवाइड कीजिए, जब तक दोनों में से यहाँ कितने भी नंबर हो जाए तो आप जब तक डिवाइड करना है जब तक कि हो नहीं, मतलब पूरे ही उस टेबल से डिवाइड नहीं होता, अब टू की टेबल में होता है टू, तो अब इनको लिखिए टू मल्टीप्लाई टू 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 जाए फोर, तो एलसीएम कितना हो गया फोर। चाहे आप इससे निकाले एलसीएम चाहे इस मेथड से एलसीएम निकाले, और देखो आप अगर एलसीएम निकालना है अपन को नाइन है टू है, तो नाइन टू है। अब देखो टेबल सबसे पहले देखना है टू की टेबल में नाइन नहीं आता लेकिन ट्वेल्थ आता है, टू से डिवाइड कीजिए, यानी कि प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वो ऐसी टेबल या तो खुद की वन की टेबल में है या फिर इटसेल्फ खुद की टेबल में आए, वो नंबर ट्वेल्व फिर टू से डिवाइड करेंगे नाइन टू थ्री जै सिक्स। अब देखो टू की टेबल में नाइन भी नहीं आता है और थ्री भी नहीं आता, आप कौन सी टेबल लाइए, टू से आगे थ्री, थ्री थ्री जै नाइन थ्री वन जै थ्री, आप देखो थ्री से डिवाइड किए वन आते हैं आपको बस खत, ठीक है। अब
इनको लिखना है। टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा फोर्टी एट, नहीं सॉरी गलत हो रहा, थर्टी सिक्स, ट्वेल्व सॉरी थर्टी सिक्स, यानी कि टू टू जा फोर आपको बड़ा लगे तो थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, ठीक है, चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नाइन के मल्टीपल्स लीजिए, नाइन और ट्वेल्व के भी लिखे, अब देखो दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है, ये एलसीएम अपना क्या जाए थर्टी सिक्स, चाहे आप इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से निकालना है, ठीक है। अब अगला मैं टॉपिक लूं एचसीएल, एचसीएल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो वहां पर अपन क्या बात कर रहे थे, देखो पिछले में क्या कहती है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो लोवेस्ट है और ये क्या हो गया हाईएस्ट, दोनों में कॉमन, लेकिन ये क्या है मल्टीपल्स है और ये आपका क्या है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जैसे आपको मैं बोलूं एट के फैक्टर निकालो, फैक्टर एट के मतलब टुकड़े कीजिए, एट के अपन देखो एट किस किस की टेबल में आता है, देखो चलो ऐसे लिखते वन टेबल, एट बार बोलोगे एट आता है, टू की टेबल में कितनी बार बोलेगे एट आता है फोर, थ्री की टेबल में एट आते नहीं छोड़ दीजिए, फोर की टेबल में अब देखो छोड़ दीजिए, अब देखो फैक्टर फोर वापस इधर आने लग गया, अब इधर से आप लिखो देखो वन की टेबल एट के फैक्टर क्या हो जाएगी वन और टू, थ्री में आते हैं वापस फोर और एट, यानी मेरे कहने का अर्थ है कि एट की मतलब एट किस किस की टेबल में आता है, वन की टेबल में एट आता है, टू की टेबल में एट आता है, फोर की टेबल में एट आता है और एट की टेबल में एट आता है, तो फैक्टर क्या हो गया वन फोर टू फोर एट, ठीक है। अब देखो और भी देखो आप नाइन के लिखो, वन की टेबल में आता है, थ्री की टेबल में नाइन आता है एंड नाइन की टेबल में आता है। अब देखो इसमें आप देखोगे कि अगर मैं बोलूं एट और नाइन का एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है इन दोनों में देखो क्या है सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा, देखो कोई नहीं आ रहा है, देखो इसमें वन आ रहा है, टू आ रहा है, फोर आ रहा है, एट आ रहा है, इसमें वन आ रहा है, थ्री आ रहा है, नाइन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा ओनली वन, ठीक है, मतलब वन सबका ही हो सकता है क्यों वन की टेबल में आ ही रहा है, ठीक है। आप और देखो दूसरा मेथड आपको ये समझ में नहीं आया इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, आप इन दोनों में क्या करना है अलग अलग करना है, टू फोर जा एट, ठीक है बात क्या आएगा थ्री थ्री जा नाइन, अब इनको लिखना है टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, यहाँ पे वन आ रहा है लास्ट वन को लिख लेना है, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई वन, अब देखो कोई कॉमन ही बन रहा है इस, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लूँ देखो,
जैसे मेरे को निकालना है 12 और 10 का, इधर मैं दोनों साथ लेके चलूँ, इधर मैं एलसीएम फाइंड आउट करूँगा और इधर मैं एचसीआर फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से, 2 की टेबल में 12 आता है, 10 भी आता है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 5 आते हैं, 3 की टेबल में 5 आता है, 3 1 जा 3, 5, यानी कि ये सब प्राइम नंबर है, 2 3 3 5, 2 2 3 5। अब इसको मल्टीपल 2 2 जा 4 लीजिए और 3 5 जा 15, ठीक है। अब कीजिए 15 की टेबल 4 बार बोलोगे तो कितना आएंगे 60, ठीक है। अब एच सी एफ निकालते, ठीक है, 12 एंड 10, ठीक है। 2 से डिवाइड कीजिए, 6 जा 12 1, 2 से डिवाइड कीजिए 5, जो 5 प्राइम नंबर है 5 में आएगा। अब देखो 2 2 और 3, 2 एंड 5। अब कॉमन देखो ये बस, तो ऐसे आपके क्या हो जाएगा इनका, और एलसीएम इज 60, ठीक है। अब देखो आगे बात करें फ्रैक्शन एडिशन, अगर 3/4 प्लस 1/4 करना है। अब मेरे को आप बताओ ये लाइक है या अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक है, मैंने बताया था, अगर डिनोमिनेटर अगर आपका 4 सेम है तो आप क्या करोगे, 4 और 3 प्लस 1 कर दोगे कितना जाएगा 4/, नीचे सेम हो उस कंडीशन में 4 और 1। और भी देखो 9/4 3/4, अब देखो सेम है नीचे, आपका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 4 है, इसमें भी डिनोमिनेटर क्या 4 है, तो सेम है, तो उस कंडीशन में अपन डायरेक्ट ऐड ऐसे करेंगे 9 और 3 12, ठीक है। इसी तरह देखो ये तो अगर डिनोमिनेटर आपका सेम आ जाए उस कंडीशन में, अगर डिनोमिनेटर आपका अलग आ जाए तो क्या, उसके लिए सर क्या करेंगे या मैं से पूछोगे, आप देखो अगर आपका डिनो जैसे क्वेश्चन आ जाए 3/6 प्लस 1/2, अब आप बोलोगे सर ये सेम तो आ ही नहीं रहा है, उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है कि डिनोमिनेटर में क्या 6 और 2 इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 बस, अब 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, एलसीएम कितना है आपका 6, ध्यान से सुनना है 6। अब 6 की टेबल कितनी बार बोले 6 आ जाए, 6 की टेबल कितनी बार बोले, नीचे डिनोमिनेटर वाले आपको टेबल बोलनी है, 6 की टेबल कितनी बार बोले कि 6 आ जाए, तो 1 बार, उसका मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर वाले से करना है, न्यूमरेटर 3 प्लस। अब इसमें आ जाए 2 की टेबल कितनी बार बोले 6 आ जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले, ठीक है। अब देखो 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3, 3 और 1 का मल्टीप्लाई भी 3, 6, 3 और 3 6,
सिक्स बाई, ठीक है। और भी देखो, एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है, सॉरी हाँ चलो सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते, कोई दिक्कत। फाइव एंड फोर एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर डिनोमिनेटर में अलग अलग है तो फाइव आता है नहीं, टू 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 जी टू से अभी तक करेंगे क्यों, फाइव वन फाइव से करेंगे तो टू मल्टीप्लाई फाइव, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, एलसीएम कितना है ट्वेंटी। आप फाइव की टेबल कितनी बार बोले, ट्वेंटी आ जाए, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी फोर का मल्टीप्लाई ऊपर जो भी न्यूमिनेटर है उससे करना है। फोर की टेबल कितनी बार बोले, फाइव बार, फाइव का मल्टीप्लाई वन से करना है। फोर फोर जा सिक्सटीन, फाइव वन जा फाइव, सिक्सटीन में से बाई क्या था, इलेवन बाई, ऐसे आपको करना है, ठीक है। ओके थैंक यू। अब आप होमवर्क के क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम। आप दोनों फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एलसीएम, सिक्स और टेन, ट्वेल्व एंड टेन, फिफ्टीन और ट्वेल्व, थर्टीन एंड टेन, नाइन एंड ट्वेल्व, फोर सॉरी आज छोटे दे रहा हूँ, कल अगले वीडियो में अपन थोड़े बड़े लेंगे, ट्वेंटी एंड टेन, सॉरी ये क्वेश्चन है ट्वेंटी एंड एट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है आप, थ्री बाई सिक्स माइनस वन बाई टू, नाइन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव, एट बाई फोर वन बाई थ्री, डी इज आपका है नाइन बाई सेवन प्लस वन बाई सेवन, वन बाई एट प्लस फोर बाई एट, ठीक है। थैंक यू।